वक्त के साथ साथ जमाना भी बदल रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि पहले वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड खूब निकलते थे, लेकिन जब से रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ लिंक होना शुरू हुआ तब रुपे क्रेडिट कार्ड हर बैंक निकाल रही है काफ़ी तेज़ी से। एक और नया क्रेडिट कार्ड पेटीएम एसबीआई का देखने को मिल रहा है जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड है। हालाँकि अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है, इसके बारे में जानकारी तो ज़रूर दी गई है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। पेटीएम एसबीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में पेटीएम ने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी शेयर किया और यहाँ पर इन्होंने लॉन्चिंग लिखा है। लॉन्चिंग का मतलब होता है कि ये लॉन्च हुआ नहीं है, हो रहा है। और पेटीएम एसबीआई कार्ड जो ये क्रेडिट कार्ड है वो रुपे क्रेडिट कार्ड है और पार्टनरशिप रुपे के साथ किया गया एनपीसीआई के साथ। इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा वर्थ 75,000 रुपया का, जो कि एक्सक्लूसिव बेनिफिट आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री पेटीएम का जो फर्स्ट मेंबरशिप है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेंबरशिप दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लाइट टिकट पर डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम ऐप के थ्रू फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो इस कार्ड से पेमेंट करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही और भी ऑफर्स रिवॉर्ड्स वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेंगे। अलग अलग प्रकार से इस पर ऑफर रखा गया है जिसमें आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करती हैं तो कैशबैक और रिवॉर्ड्स आप अर्न कर सकते हैं। जैसे 3% की कैशबैक आप रिसीव कर पाएंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और पेटीएम ऐप के थ्रू मूवी या फिर फ्लाइट टिकट ट्रेवल टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3% की कैशबैक दिया जाएगा। वही बताया गया है कि पेटीएम ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको 2% की कैशबैक मिलेगा और इसके अतिरिक्त इस क्रेडिट कार्ड से जहां भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको 1% की कैशबैक मिलेगा। लेकिन जो फ्यूल स्पेंड करते हैं उस पर आपको कैशबैक नहीं दिया जाएगा, लेकिन फ्यूल स्पेंड पर जो सरचार्ज होती है वो जरूर माफ होगा। नीचे में कुछ और डिटेल साझा किया गया जहां पर पेटीएम का फर्स्ट मेंबरशिप जो कि वर्थ 750 का है ये आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद 3% कैशबैक के बारे में मैंने बताया, 2% कैशबैक के बारे में बताया और 1% कैशबैक के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया। यहाँ पर बताया गया है कि देखो भाई, वॉलेट रिलोड करते हो और फ्यूल स्पेंड करते हो तो उस पर आपको कैशबैक नहीं दिया जाएगा, वही अगर आप फ्यूल स्पेंड करती हैं तो 1% का सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही अगर साइबर फ्रॉड होते हैं तो इंश्योरेंस कवर भी आपको इसमें मिलते हैं 1,00,000 रुपया का। मैं आपको बताऊँ ना तो पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो पहले वाला अभी जो आप पेटीएम ऐप पर देख पा रहे हैं ज्वाइनिंग फी 499, एनुअल फी 499, सेम वही बेनिफिट यहाँ पर भी बताया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं और वही समझो कि यहाँ पर जो नीचे मैंने आपको बताया वही डिटेल यहाँ पर कॉपी पेस्ट की गई है, क्योंकि यहाँ पर ये पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड है और सब कुछ डिटेल इसी अनुसार से है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। कार्ड फ्रॉड पर उसके बाद 3% कैशबैक, 2% कैशबैक, 1% की कैशबैक और वर्थ 75,000 रुपया की बेनिफिट। लेकिन अभी जो पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड है वो दो तरह के हैं। एक आप देखोगे 499 वाला जिसका ज्वाइनिंग फी 499 और एनुअल फी भी 499 है, तो मुझे लगता है ये जो रुपे क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी यही रखा जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया, जितना भी जानकारी निकल कर सामने आ रखी थी। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसे ही ये एक बार लॉन्च हो जाता है पूरे डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे आपको मिलेगा सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है जो पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़रूर मिलेगा, मतलब उस कार्ड के बदले दूसरा कार्ड लेना या फिर अपग्रेड करना या फिर आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट नया कार्ड के लिए तो हो सकता है लिमिट शेयरिंग करके भी आपको ये कार्ड दे दिया जाए या फिर ऐसे ही अप्रूव कर दिया जाए जो पहले से आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं उस विहाव पर। वैसे आप पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं या फिर नहीं और आप कितना एक्साइटेड है इस क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पर प्रायोरिटी तो मुझे लगता है कि मिलेगा ही, इसलिए घबराए नहीं। कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर भी देख लिया जाएगा कैसे मिलेगा, जरूर वीडियो बनाकर दे दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।